तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम अच्छे से समझने वाले हैं एक चैप्टर को जिसका नाम है मन की एकाग्रता। तो मैंने अच्छे से समझने वाले हैं इसलिए कहा क्योंकि आज हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसको लाइन टू लाइन समझें, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। अगेन, ये चैप्टर इसीलिए है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि क्यों हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं जितना फोकस हम करना चाहते हैं स्टडीज़ में। तो ये चैप्टर यही बताता है। ये चैप्टर लिखा है पंडित बालकृष्ण भारद्वाज ने। तो ये पहले इसका केंद्रीय भाव पढ़ते हैं कि आज के अध्येता छात्र के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं। पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्वान, शिक्षक, छात्रवृत्ति आदि के सहयोग और मार्गदर्शन से छात्र निसंदेह शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, किंतु प्रतिभा बिना सभी संसाधन ऐसे हैं जैसे ऊसर खेत में बीज बुना। तो इसका मतलब क्या है कि आज का जो स्टूडेंट है उसके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो नॉलेज के लिए जो भी सोर्सेस चाहिए वो सब है। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास बुक्स हैं, लाइब्रेरी है, अच्छे टीचर्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन फिर भी अगर गाइडेंस भी है, लेकिन जब बच्चे के पास प्रतिभा नहीं है, टैलेंट नहीं है, अगर वो चीज़ों को समझने में कमज़ोर है, अगर उसका मन नहीं लग रहा, तो ये सब वैसा ही है जैसे एक बंजर ज़मीन पर हम खेती करें या फिर उसमें हम खाद और सीड्स डालें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस प्रतिभा के निखार का मनोनिग्रह, स्थित प्रज्ञ, निश्चयात्मक बुद्धि, एकाग्रता आदि शब्दों द्वारा गीता बहुविध प्रतिपादित करती है। मतलब इसको गीता से कनेक्ट करेंगे और कुछ शब्द आपको मिलेंगे जैसे बुद्धि, एकाग्रता, निश्चयात्मकता यानी डिटर्मिनेशन, और स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना रिसोर्सेस के खुद को सेटिस्फाई रख पाए, जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आज मैंने चाय नहीं पी तो मुझे खुशी कम हो रही है, या मैंने एक हफ्ते से मैगी नहीं खाई तो मैं दुखी हूँ, या मैं दो हफ्ते से घूमने नहीं गया। तो इस तरीके के एग्जांपल या इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। वो व्यक्ति सेटिस्फाई रहता है हर सिचुएशन में, और ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो इन शब्द का यूज़ होगा। आगे कहते हैं कि बाह्य संसाधन तो सबको उपलब्ध हो सकते हैं, पर आंतरिक मन, संयम और इंद्रिय निग्रह नितांत छात्र सापेक्ष है। अतः गीता के प्रतिमान आचरणीय है। तो वो कह रहे हैं कि जो बाह्य संसाधन यानी एक स्टूडेंट के लिए संसाधन तो अवेलेबल है, बुक्स है, इंटरनेट है, आज यूट्यूब वीडियोस है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं वैसे यूट्यूब वीडियोस हैं, बट फिर भी क्या है, संयम नहीं है, फोकस नहीं है। इसीलिए गीता से कुछ सीखना ज़रूरी है, जो कि आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो ज़रूरी है। आज के छात्र जीवन में इससे अनुशासन निष्पन्न होगा और सृजनशीलता में वृद्धि होगी। और अगर संयम आ गया, अगर पेशेंस या लिमिट, एक सेल्फ डिसिप्लिन अगर एक स्टूडेंट में आता है, तो उससे उसकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो बंदा यानी वो जो स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन होगा। अब जो निबंध है, और ये इसी व्यू को दिखाता है जिसके राइटर हैं पंडित बालकृष्ण भारद्वाज। आइए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसकी समस्या या जो मन की एकाग्रता की समस्या है, यानी जो लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ये समस्या सनातन है, यानी हर स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है। जब वो फोकस्ड होकर पढ़ने बैठता है तो उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। बेसिकली वो जो थॉट्स आते हैं वही प्रॉब्लम है। फैमिली आपको सपोर्ट कर देती है, कोचिंग से लीव मिल जाती है, स्कूल से लीव मिल जाती है, प्रॉब्लम आती है फोकस करने में। वो इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा मन है उसको माना जाता है कि उसकी जो गति है वो हवा से भी तेज़ है, और मन को रोकना या मन को संयमित करना, डिसिप्लिन रखना उतना ही कठिन है जितना हवा को रोकना। अब हवा इतनी तेज़ चल रही है उसे आप नहीं रोक सकते, बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से मन को रोकना कठिन होता है। और थॉट्स कैसे आते हैं वो भी वो बताते हैं। एक तो थॉट्स ऐसे होते हैं जब हमें कुछ लालच होता है, फॉर एग्जांपल मूवी देखने का लालच, मोबाइल चलाने का लालच, अगर आज की बात करें तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखने का लालच, इंस्टाग्राम पे लाइक्स कितने आए ये देखने का लालच, या फिर एक दूसरे थॉट्स होते हैं, वो दूसरे थॉट्स होते हैं एनजाइटी के, यानी वो पास्ट एक्सपीरियंस के नहीं होते बल्कि होते हैं वो फ्यूचर के। क्योंकि क्या है, अभी अभी हमने पढ़ाई का डिटर्मिनेशन बनाया, यानी हमारे मन में एक्सपेक्टेशन आई। अब जब और थॉट्स आए और हमने देखा कि यार दो घंटे निकल गए, एक घंटा निकल गया, मैं तब से पबजी खेल रहा हूँ, मैं तब से टिकटॉक देख रहा हूँ, मैं तब से लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा हूँ, तो बाद में एक दो घंटे बाद हम डिप्रेस हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार पढ़ाई का टाइम चला गया, ऐसे पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, फैमिली रिस्पेक्ट नहीं देगी, फ्रेंड्स मेरे दूर हो जाएंगे,
तो पहले नेगेटिव थॉट्स पास्ट के बेस्ड पर, फिर नेगेटिव थॉट्स फ्यूचर के लिए जब हम एंजाइसियस हैं या फिर हम जब टेंस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है तब के, तो ये दो थॉट्स हमें पढ़ने नहीं देते और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती, हमारी जो नॉलेज होती वो रुक जाती है। तो अब ऐसे जो छात्र हैं उनके लिए यही प्रॉब्लम है कि पहले जो उसका मन भोग और ऐश्वर्य से कैसे बचे, यानी जो डिज़ायर है उसमें कैसे बचे, उसमें न फंसे। क्योंकि जो डिज़ायर्स हैं, या अगर हिंदी में कहें तो से वासनाएँ, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो चाय की हो, चाहे व्हाट्सएप की हो, उससे वो कैसे बचे और फिर उसका माइंड फोकस कैसे हो। तो बहुत सारे लोग इसका रास्ता निकालते हैं कि यम नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम यानी जैसे अनुलोम विलोम, ये जो मेडिटेशन होता है, ऐसी चीज़ें एक सोल्यूशन मानी जाती हैं। पर ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्प्ररी सोल्यूशन होती है। थोड़ी देर आप मेडिटेशन करेंगे, हो सकता है एक घंटे आप अच्छे से पढ़ाई कर लें, पर एक क्या होता है, एक टर्म होता है इम्यून टू, इंग्लिश में कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के, मतलब हमारा हम पर असर होना बंद हो जाता है। जैसे कई बार दवाइयाँ होती हैं, आप दवाई खाओगे लेकिन वो केमिकल आपकी बॉडी को सूट कर जाता है, फिर वो दवाई आपके लिए काम नहीं करती, तो डॉक्टर आपको दवाई चेंज करके देता है। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स आपको बचपन से डांटते हैं, आप डरते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद आप डरना बंद कर देते हैं क्योंकि आप उसके इम्यून टू हो गए हैं। इसी तरीके से जो ये मेडिटेशन वगैरह है आप करते हैं, फोकस्ड होते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड रीज़न नहीं है। तो गीता में भी यही लिखा है कि एक टर्म यूज़ किया है, आप एक मंत्र यूज़ किया है कि परम दृष्टवा निवर्तते, यानी परम मीन्स एक सुप्रीम, एक आपके पास सुप्रीम गोल होना चाहिए, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए भी, चाहे वो राष्ट्रभक्ति हो, यानी चाहे वो पैट्रियटिज्म हो कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, चाहे वो दीन दरिद्रों की सेवा हो कि मुझे सोशल वर्क करना है, क्योंकि सोशल वर्क के लिए भी डिग्री चाहिए होती है, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है आपको, कई बार कुछ और स्टडी चाहिए होती है। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास स्टडीज़ अच्छी की हुई है, तो आप किसी ब्लाइंड बच्चे को या फिर किसी को भी पढ़ा सकते हैं, तो इससे ऑफकोर्स एक सोशल वर्क होगा। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न, एक ऐसा कारण जो आपको मोटिवेट करेगा कि आप सारी चीज़ें छोड़कर पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये पढ़ाई ही रास्ता है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और सेवा के कोई और कार्य हो, लोक संग्रह हो, मीन्स कुछ कलेक्शन हो, कुछ कल्चर से संबंधित हो, तब ये आपकी एकाग्रता का कारण बन सकता है, बाकी की चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है। आगे वो कहते हैं गीता में परम का अर्थ परमात्मा है, तो परमात्मा का अर्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप ये मान लोगे कि मेरा जो सुप्रीम गोल है वो परमात्मा से कनेक्टेड है, और सब लोगों में अगर आप परमात्मा को देखोगे, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा माइथोलॉजिकल हो रहा है, आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये बात थोड़ी बुजुर्गों वाली है कि परमात्मा है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि अगर आप हर किसी को भगवान मानोगे तो आप गुस्सा बहुत कम करोगे, क्योंकि हर चीज़ आपको अपनी लगेगी। जैसे अगर आपकी जीभ आपके दांत से कट जाए तो आप दांत तो तोड़ोगे नहीं, ना आप जीभ काटोगे, क्योंकि दांत भी आपका, जीभ भी आपकी। उसी तरीके से अगर आप हर चीज़ में भगवान को देखोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, क्योंकि आपको सबसे प्यार होगा, और जब आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, और एक क्लियर माइंड पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिस तरीके से एक साफ़ पानी हेल्दी होता है, उसी तरीके से एक साफ माइंड एजुकेशन के लिए बेस्ट होता है, और एक स्टेट ऑफ माइंड जो कि इन द मोमेंट है, प्रेजेंट में है, वो बहुत बेस्ट होती है स्टडी के लिए। तो वो कहते हैं, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इंद्रियों के भोगों को नियंत्रित कर लें, इंद्रियों का भोग मतलब डिज़ायर, जैसे खाना पीना सोना, ये सब डिज़ायर्स, मतलब जो भी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आँखों से देखना, अगर हम इसे कंट्रोल कर लें कि मतलब नहीं 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 मुझे व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखना, मुझे बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखनी, अगर हम स्किन से वो कर लें कि मतलब मुझे एकदम कम्फर्ट नहीं चाहिए, कम्फर्ट से एकदम भागे, जिह्वा को हम कंट्रोल कर लें कि मैं टेस्टी खाना नहीं खाऊंगा, पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा, तो क्या ये एक मानसिक रोग का कारण नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बन सकता है, गीता में इसका एक लॉजिकल आंसर दिया है। इसकी हमें डिज़ायर से विड्रॉ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम एकदम फास्ट फूड बंद कर दें, चाय भी बंद कर दें, टोटल बैन लगा दें, कम्फर्ट पर टोटल बैन लगा दें कि मैं एसी में नहीं सोऊंगा, मैं गाड़ी पर ज़्यादा नहीं घूमूंगा, शरीर को कष्ट दूंगा, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आँखों से स्टेटस भी नहीं देखूंगा, मूवी भी नहीं देखूंगा, तो आप सबसे अलग हो जाएंगे। तो डिज़ायर से भागना नहीं है, बट वी नीड टू कंट्रोल डिज़ायर्स, तो हमें क्या करना है, डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि डिज़ायर को अगर हम छोड़ देंगे
की डिज़ायर के मतलब हम एकदम फ्री कर देंगे। जैसे अगर एक रथ है, रथ में अगर आपको घोड़े पे लगाम रखोगे, जैसे महाभारत में आपने सीन देखा होगा, तो जो भी 5 या 7 घोड़े थे वो बराबर चलेंगे और आपके साथ होंगे, आप उसको डायरेक्शन दोगे, बट अगर छोड़ दोगे तो ख़राब होगा। सेम डिज़ायर को छोड़ दोगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए। मैंने इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।